हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये एक ऐसे सेक्टर के बारे में है जिसकी आने वाले टाइम पे यानी कि फ्यूचर में ज़बरदस्त डिमांड हो सकती है। आज के टाइम पे भी अच्छी खासी डिमांड है, लेकिन उस लेवल की डिमांड नहीं है। फिर भी इसके स्टॉक्स ने अच्छा खासा बिल्कुल पिछले 4-5 साल से बहुत बढ़िया बेहतरीन जो है रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी और भी डिमांड हो सकती है। अगर आप अपने आसपास देखोगे और समझोगे हर इंडस्ट्री को, जैसे आप कोई सामान लाते हो, देखते हो, उस तरीके से आप एनालाइज करोगे तो अपने आपको अच्छे खासे स्टॉक्स मिल जाएंगे कि उस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं और कौन सा अच्छा कर रहा है। आप उसको एनालाइज करके जरूर अच्छा खासा रिटर्न मुनाफा कमा सकते हो। तो जानते हैं इस सेक्टर के बारे में, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं जिसके ऊपर फ्यूचर मतलब दिख रहा है, आपको भी दिखेगा, मुझे तो दिख ही रहा है। और चलिए बात करते हैं इन सब के बारे में इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए, ये सेक्टर कोई और नहीं, ग्लास सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। जो भी अगर आप देखोगे ग्लासेस, जो आपके विंडो के ग्लासेस होते हैं या आपकी जो ऑटोमोबाइल्स में जितने ग्लासेस लगते हैं, गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में, ट्रक्स में जितने भी ग्लासेस लगते हैं, आज की डेट में अगर आपकी पूरी वॉल होती है, अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वॉल्स होती हैं, तो उनमें सब में ग्लासेस ही लगते हैं, जनरली ग्लास लगते हैं। और ये नहीं कि पूरे शीशे कांच वही लगता है, या पहले तो क्या थे कि पूरी दीवारें बना देते थे, अब वो चीज़ अवॉइड करते हैं लोग, ग्लासेस लगते हैं जहाँ पर भी देखो। तो एक आने वाला फ्यूचर है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट इंडिया का है, मतलब अगर ग्लोबल मार्केट से हल्का फुल्का कट भी हो जाए तो भी इंडिया अपने आप में सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों में और कौन से ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो इंडिया में ग्लास की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आप देखोगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना ग्लास का हुआ है, ऑटोमोटिव मतलब कि ऑटोमोबाइल के सेक्टर में ग्लास का कितना यूज है, अप्लायंसेस, अब किचन अप्लायंसेस अगर आप देखोगे आज की डेट में जितने भी माइक्रोवेव वाले हो गए या किसी भी हो गए, तो ग्लास के प्रोडक्ट्स पे बहुत फोकस है और अच्छा खासा जोर दिया जा रहा है। ऑल दो पहले से भी ये है, लेकिन अब और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ग्लास इंडस्ट्री। और अगर आप देखें किचन अप्लायंसेस के अलावा जो बॉटल्स आती हैं, सपोज वाटर बॉटल्स आती है, अलग अलग मल्टीपल बॉटल्स आती है, क्योंकि ग्लास जो यूज होता है वो एक रीयूजेबल चीज़ है, रीयूजेबल चीज़ है। और जिसमें अगर आप देखोगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको मेल्ट किया जाता है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन होती है उसको भी वो रोकता है, रीयूजेबल ग्लासेस होती है, वही बॉटल्स बार बार यूज हो जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत बेहतरीन एक प्रोसेस है, जो कि आपको कोई नई चीज़ बनानी नहीं पड़ रही, वही चीज़ बार बार यूज हो जा रही है आपकी, मतलब कि ग्लासेस बॉटल्स यूज होगी, साइड क्या रिसाइकलेबल है, मैं सारी चीज़ें। तो इसलिए बेहतरीन इसका एक फ्यूचर दिख रहा है ग्लास इंडस्ट्री में। ऑल्दो अभी भी ये एक लेवल पर है, लेकिन वहाँ बहुत कम लेवल पर ग्रो किया है, वहां से बहुत आगे की दुनिया देखनी बाकी है ग्लास इंडस्ट्री को। चलिए, अगर आप देखें टॉप के जो ग्लास मेकर्स हैं, जैसे ग्लास के अलग अलग ग्लास के टाइप्स होते हैं, जैसे एजी ग्लास टाइप जो मार्केट में अभी चल रहा है मेनली, तो देखिए ये वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो मैन्युफैक्चरर हैं, स्कॉट है, कॉर्निंग है, असाही ग्लास, असाही ग्लास अगर आप देखोगे तो इंडिया में लिस्टेड है, किजो माइक्रो है, एब्रेसिया टेक्नोलॉजीज, एजी ग्लास एंड एल्यूमिनियम, जीएमटी ग्लास, चिनवी मियाओ ये चाइनीज है, होंगया इलेक्ट्रॉनिक्स, जायंट नैनो, मतलब चाइना, जापानीज, कोरिया, इंडिया, ये देखिए मतलब टॉप की ग्लासेज है, हुइनहुआ ग्लास, 39 ग्लास, टॉर्लिन केमिकल्स, और आप देखिए शांघाई यिंगजेई, शांघाई के मतलब अच्छे खासे यहाँ पे कंपनी जो है चाइनीज की है। और अगर आप ग्लास टाइप के ट्रेंड्स देखें, जैसे एजी ग्लास टाइप जो मेजर आजकल चल रहा है, केमिकल इचिंग, स्प्रेइंग, कोटिंग, इस तरीके के ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। और कहाँ यूज होता है ग्लास, मैंने आपको बता दिया कि कितनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है ग्लास मार्केट में अभी भी। तो जानते हैं इंडिया में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ग्लास मार्केट के हैं, ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट्स वाले स्टॉक्स हैं। तो ये देखिए, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखा जाए तो असाही इंडिया ग्लास टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ का है, छोटा। आप अगर ओवरऑल देखें इस इंडस्ट्री में, काफ़ी इतना ज़्यादा आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं देखे, लेकिन एक हिडन है, एक छुपा हुआ चीज़ है जो आपके सामने आ रहा है। देखिए असाही इंडिया ला ओपाला आरजी एक छोटा सा स्टॉक है, देखिए प्राइस अगर असाही इंडिया का देखेंगे तो 266 का प्राइस है, ला ओपाला आरजी 235 का प्राइस है। बोरोसिल आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में टेस्ट ट्यूब्स वगैरह सारे जितने प्रोडक्ट्स आते थे, जार स्वार सारे बोरोसिल ग्लास के होते थे, एक टॉप का ब्रांड है। आप देखें सबसे टॉप में असाही इंडिया ग्लास, फिर लाओपाला आरजी और बोरोसिल, ये तीन जो है बहुत ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं ग्लास के, मतलब ऑल्दो आपको ये स्मॉल कैप देख रहे होंगे, लेकिन ये इंडिया में अच्छी खासी मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखी है। और अगर आप एम्पायर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए इसमें भी 702 करोड़ का हिंडनेट ग्लास, गुज बोरोसिल, ये बहुत सारी ग्लास की सेक्टर्स हैं। अगर हम प्रॉफिट वाइज देखते हैं, देखिए अगर हम प्रॉफिट वाइज सर्च करते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अभी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, तो देखिए असाही इंडिया ग्लास तो सबसे टॉप की है, मतलब 185 करोड़ का इसने प्रॉफिट अभी कमाया है, और लाओपाला आरजी 73 करोड़ का प्रॉफिट। एम्पायर इंडस्ट्री देखिए, वहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज तो कम था, लेकिन
प्रॉफिट वाइज अच्छा खासा, इसने 46 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है, और बोरोसिल ग्लास ने 46 करोड़ का बोरोसिल ग्लास ने भी कमाया है। चलिए आप थोड़ा सा एक एक करके इन के बारे में जानते हैं। असाही इंडिया ग्लास देखिए 266 का प्राइस है, अगर आप देखें 52 वीक जो लो था इसका वो 263 था, और 50 मतलब ऑलमोस्ट 52 वीक लो के अराउंड चल रहा है, और 399 का 52 वीक हाई था। तो अभी गिरावट देखने को मिल रही है असाही इंडिया ग्लास के अंदर। और अगर आप इसका देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया 6,500 करोड़ का है, अर्निंग पर शेयर 7.74 रुपये का है, प्राइस टू अर्निंग 34 का बन रहा है, बुक वैल्यू 43 रुपीज की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 16.08 का, एंड फेस वैल्यू 1 रुपीज की। असाही इंडिया ग्लास के अगर आप ग्राफ की बात करते हैं तो देखिए कितना जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा था, और अभी कुछ टाइम से पिछले एक साल से इसमें थोड़ा गिरावट देखने को जरूर मिली है। अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं कि किन लेवल्स पे आप असाही इंडिया ग्लास में इन्वेस्ट करेंगे, तो आगे आने वाला टाइम जैसे इलेक्शंस का है, उन सब चीज़ों का है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये स्टॉक 175 या फिर 130 की रेंज में मिलता है तो यही इसके सपोर्ट जोन मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पर बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इतनी जल्दी अब ऑल दो 201 के अराउंड भी अच्छी खासी यहाँ पर एक इसका प्रायर रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन मैं तो आपको कहूँगा कि इन लेवल्स का वेट कीजिए। और आप क्योंकि आप ये देखिए कि भैया स्टॉक मार्केट में सब कुछ डिस्काउंट में मिल सकता है आपको, जब इस लेवल पे आ गया तो इस लेवल पे भी मिल सकता है। और सपोर्ट इसका जो इमीडिएट यहाँ पे दिख रहा है वो 240 के अराउंड दिख रहा है, फिर ये जो अगला सपोर्ट है 208-210 के लेवल पे दिख रहा है, और फिर नीचे ये दो सपोर्ट लाइन है। तो अगर आपको इन लेवल्स पे मिलता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्लास इंडस्ट्री का टॉपर है, तो एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ला उपाला आरजी लिमिटेड सेकंड अपना ग्लास का जो स्टॉक है, ला उपाला आरजी 235 का प्राइस है, 52 वीक लो है 195 और 52 वीक हाई 372 का इसका चल रहा है। अब देखते हैं इस स्टॉक में क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था 2600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 6.58 का अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो 35 का ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग है, बुक वैल्यू 45 के, प्राइस टू बुक वैल्यू का जो रेशियो 5.19 का है, और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की। अब लाभ वाला आरजी का अगर आप ग्राफ देखें तो पिछले 5 साल में इसने भी अच्छा खासा ग्रोथ किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक स्टेबल मतलब 200 से 300 की रेंज में ये चल रहा है। और अगर हम टेक्निकली लाभ वाला आरजी का देखा जाए कि किस लेवल पे आपको बेस्ट बाइंग दिखेगा लाभ वाला का, तो ये देखिए लाओ पाला आरजी का अगर हम बाइंग टेक्निक्स देखें तो मुझे तो लगता है अगर आपको ये 160 के लेवल पे मिल जाए तो आप देखिए एक टाइम पे 2013 में जब सरकार चेंज हुई थी या उससे पहले जो भी है, देखिए बहुत बढ़िया बेहतरीन स्टॉक ने 12-13 रुपये का स्टॉक था, एक मल्टीबैगर कहेंगे हम इसको, और ये 360 तक के लेवल पे आ गया था, तो देखिए कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। अभी भी अगर ये लाओ पाला आरजी आपको मिलता है 150 की रेंज में तो आपके लिए बेस्ट बाई, एक बार्गेन बाई मैं कहूँगा 150 की रेंज में। अभी तो मैं कहूँगा नहीं क्योंकि आने वाले टाइम पर गिरावट और आ सकती है, जो इलेक्शन का सीजन है, तो आप वेट कर सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं 150 के रेंज में। आप बिल्कुल अपना लिमिट तैयार करके रखिए, इस लेवल पे जब भी आता है तो आप इसको बाइंग एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है लाओ पाला आरजी में। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले स्टॉक की तरफ। ये देखिए प्रॉफिट वाइज एम्पायर इंडस्ट्री थर्ड नंबर पे था, तो इसलिए मैं इसको पहले लेके आया आपको। एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर आप देखें तो 1171 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है, बीएससी पर लिस्टेड है ये, और इस स्टॉक की किस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 702 करोड़ का, लेकिन अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़िया है इसका, 105 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, बुक वैल्यू 353 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 3.31 का है, और पी रेशियो 11 का है, तो ये एक अंडर वैल्यूड चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, एम्पायर इंडस्ट्री में फेस वैल्यू 10 का है, तो बहुत बढ़िया बेहतरीन इसको कहूँगा मैं, पी रेशियो भी अच्छा है। ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस स्टॉक को देखिए 1000 रुपये के अराउंड चल रहा है, और आने वाले टाइम पे अगर ये स्टॉक आपको मिले 800 रुपीज़ की रेंज में मिले तो अच्छा खासा एक बार्गेन बाई हो सकता है। चलिए अब हम चलते हैं सबके फेवरेट ग्लास स्टॉक्स, यानी कि बोरोसिल ग्लास वर्क्स लिमिटेड। बोरोसिल ग्लास वर्क लिमिटेड एक टॉप का स्टॉक है ग्लास की इंडस्ट्री में, देखिए 240 थर्ड नंबर पर आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, एंड प्रॉफिट वाइज तो फोर्थ नंबर पर चला गया, इस बार इसका प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ था, 240 करोड़ का 240 रुपीज़ का 240 रुपीज़ का शेयर प्राइस है, 190 का 52 वीक लो बनाया है इसने वन, और 200 का जो है 400 रुपीज़ का 52 वीक हाई है बोरोसिल ग्लासवर्क का। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल दो 2200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अर्निंग पर शेयर देखिए 5 रुपये के अराउंड है, बुक वैल्यू जो है वो कितनी है इसकी देखिए 3790 टॉप की बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू बिल्कुल नीचे है। तो इस स्टॉक में अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा डाटा सही नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे बुक वैल्यू के अराउंड, तो स्टॉक ज़बरदस्त है बुक बोरोसिल, ये डाटा थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ पे बुक वैल्यू अपडेटेड नहीं लग रही है यहाँ पे। ये देखिए अगर आप देखोगे स्टॉक की प्राइसिंग देखोगे तो पिछले एक साल में जिस तरीके से इसने अभी बोनस भी अनाउंस किया था 3:1 का, और मतलब हर एक शेयर पे 3 शेयर का बोनस दिया था इसने, तो इसी वजह से इसका प्राइसिंग इतने नीचे लेवल पर आपको दिख रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल ग्राफ की बात करते हैं तो देखिए बोरोसिल अपने आप में एक चैंपियन है, कहाँ पर आप इसको खरीद सकते हैं वो देखेंगे हम। तो बोरोसिल के बाइंग प्राइस जो रेंज मुझे दिख रही है अगर आप ये देखें तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस स्टॉक को अगर आप बाई करते हो या तो इधर 225 के लेवल्स पे,
या फिर नीचे आके 190 192 के लेवल्स पे, इन दो लेवल्स पे आप इसको बाई कर सकते हो। टॉप का स्टॉक है तो ये 225 के लेवल पे तो आ सकता है अभी रिसेंटली ये, तो यहाँ पे बहुत कम थोड़ा बहुत आप बाई कर सकते हो, लेकिन ये 190 के लेवल्स पे एक लास्ट प्राइस अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने जो आपके साथ ये ग्लास इंडस्ट्री के स्टॉक शेयर किए और ग्लास इंडस्ट्री के बारे में बताया। और यूजेज देखिए, आपको खुद दिख रहा होगा कि कहाँ ग्लास यूज़ नहीं होता, किचन में बर्तनों में सारा स्टील जो है रिप्लेस हो रहा है ग्लास से धीरे धीरे, क्योंकि लोग देखिए माइक्रोवेव का ज़्यादा यूज़ करने लग गए, तो उसमें जो है बोरोसिल एंड ऑल इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के जो बाउल्स आते हैं वो सब गर्म करने के हिसाब से वही जगह। और दूसरी अगर आप देखें ऑटोमोबाइल्स में गाड़ी नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ग्लास का यूजेज अच्छा खासा हो रहा है, या फिर आप घर में देखें बिल्डिंग्स में देखें कि ग्लास का कितना यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर ये सारी कंपनीज हैं। आप और कंपनीज को भी एनालाइज कर सकते हो, हिडनेट ग्लास है, जय माता ग्लास है, त्रिवेणी ग्लास है, स्विस ग्लास कोट है, हिडन ग्लास है, और गुज बोरोसिल्स है, सेंट गोबेन है, तो ये सारी कंपनीज हैं जो ग्लास की अभी चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।